नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस में पेपर 4 थे नैतिकता या एथिक्स रिलेटेड। उसके लिए आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पेपर 2A सेकेंड पेपर का पार्ट है इंडियन पॉलिटी, उसे पूरा कंप्लीट करने के लिए रेगुलर उसमें अपडेट देते हैं, ऐसे ही आज से हम स्टार्ट करेंगे इस पेपर 4th के लिए। कंटिन्यूस आपको कुछ वीडियो बनाकर दिए जाएंगे, ऐसे वीडियो जो आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग, आपकी मेंस की प्रिपरेशन में बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। इस पेपर में जो हम चीज़ें कवर करेंगे, वहाँ पर जो दार्शनिक विचारक या सामाजिक कार्यकर्ता या सुधारकों के संबंध में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फिलोसोफर, थिंकर, सोशल वर्कर, सोशल रिफॉर्मर्स को रखा है एमपीपीएससी ने। एमपीपीएससी ने रखा है महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध को, कौटिल्य को, प्लेटो को, इसके साथ साथ अरस्तु या अरिस्टोटल को, गुरु नानक, कबीरदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो घोष, मोहनदास करमचंद गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, 19 लोगों के नाम तो एमपीपीएससी ने मेंशन किए हुए हैं और साथ में लास्ट में जोड़ा हुआ है आदि एटसेट्रा, यानी और भी पूछे जा सकते हैं। खैर पता नहीं पेपर ये कैसे इन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है, जैसे भी किया है, हम सिर्फ इन्हीं 19 लोगों में से सिलेक्टेड कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर में जिनके बारे में पूछा गया है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ऐसे करके तैयार किया जाएगा। कुछ फुल क्वेश्चन में कुछ 100 या 150 वर्ड्स के जैसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर इसको क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो आज हमने जो आपके लिए टॉपिक चूज किया है वो सबसे पहले महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी से रिलेटेड हम क्या चीज़ इस पेपर में लिखेंगे। अगर उसने महावीर स्वामी लिख दिया और उस पर कुछ नहीं लिखा है तो कैसे कंप्लीट करेंगे। महावीर स्वामी के रिलेशन में कोई पर्टिकुलर उनकी कोई थ्योरी, कोई शिक्षाएं ले सकते हैं तो उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक श्वेतांबर तीर्थंकर, इनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुंडल ग्राम नामक स्थान पर हुआ। महावीर स्वामी क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कठोर साधना के बाद जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भ्रमण करके संपूर्ण भारत में अपने ज्ञान को प्रसारित किया और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। जब हम किसी थिंकर या सोशल रिफॉर्मर को लिखते हैं तो ये जरूरी भी नहीं होता कि आप उसका डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें बताएं, लेकिन हम दो लोगों के बारे में ये बहुत विशेष पढ़ते हैं, महावीर स्वामी के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में, इतिहास में भी पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ सामान्य सी जानकारी है, ये सभी को याद रहती है। तो एक पैराग्राफ जो हम शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे चल करके हम क्या करेंगे, महावीर स्वामी की शिक्षाएं। मेन फोकस यही रहता है एथिक्स में, किसी भी थिंकर, रिफॉर्मर या फिलोसफर का नाम आएगा तो उसने क्या मैसेज, क्या क्या थ्योरीज, क्या प्रिंसिपल्स, क्या शिक्षाएं दी, बस उसको टारगेट करना। अब आप क्या करेंगे, कॉपी पर आप फ्लोचार्ट बना लें। जैसे यहाँ इसमें आपको बताया गया कि महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं, मेन मेन शिक्षाएं जैसे कैवल्य, महाव्रत, वैदिक आडंबर का विरोध करना, त्ररत्न, श्यादवाद, ईश्वर की सर्वोच्चता को न मानना, पुनर्जन्म, कर्मवाद आदि, ये इनकी शिक्षाएं थी। हमने इनको इसी प्रकार से मेंशन करेंगे अपने फ्लो चार्ट में और उसी ढंग से इनको हेडिंग बना बना करके समझाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं होता आप कैवल्य को ही समझाने में पूरा एक या दो पेज भर देंगे, शॉर्ट में हमें कंप्लीट करना है, टाइम भी ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैनेज करना पड़ेंगी। कैवल्य मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाता है, इसी अवस्था को कैवल्य कहा जाता है। इसके लिए सद्गुण, सदाचार, विवेकशीलता की आवश्यकता होती है। तो पहला जो हमारा हेडिंग था इनकी शिक्षाओं में वो कंप्लीट कर लिया। सेकंड आता है महाव्रत। सभी जैन मतावलंबियों को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
इन्हें महावीर स्वामी ने महाव्रत का नाम दिया। हालांकि इसमें महावीर स्वामी ने एक जोड़ा ब्रह्मचर्य, बाकी चार पार्श्वनाथ के द्वारा पहले से दिए गए, लेकिन रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म का वास्तविक जो प्रवर्तक मानते हैं वो महावीर स्वामी को मानते हैं। तो ये पांच जो चीजें हुई इनको महाव्रत कहा गया। इन पांचों का पालन जब कोई भिक्षु या संत करता है तब ये महाव्रत कहलाते हैं, और जब इन पांचों का पालन कोई गृहस्थ व्यक्ति करता है तब इन्हें अणुव्रत भी कहा जाता है। अब ये बताने की आवश्यकता यहाँ नहीं है कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या, अपरिग्रह क्या। अगर कहीं शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि महाव्रत, तब आप सत्य के बारे में ऐसे लिखेंगे, अहिंसा को एक्सप्लेन करेंगे, अस्तेय को एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर ये होता है। हम टोटली महावीर स्वामी को पूरा अपना फोकस करके उनकी सारी शिक्षाओं को जब कंसाइज करेंगे तो हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। अगली शिक्षा जो इनकी आती है वो है त्ररत्न। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने त्ररत्नों का उल्लेख किया, यथा, यथा मतलब जैसे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ऋण, इनके पालन करने, कई जगह लिखा रहता है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, इनके पालन करने से व्यक्ति कैवल्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। अब राइट नॉलेज, ये सारी चीजें फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ नहीं एक्सप्लेन करना है, अगर अलग से पूछ लिया जाए त्ररत्न तो वहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में और शिक्षाएं क्या थी। तो इन्होंने श्यादवाद का सिद्धांत दिया, जिसे अनेकांतवाद भी कहते हैं या इसे सप्तभंगीवाद के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्मानुसार सांसारिक वस्तुओं के संबंध में किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता, इसके लिए सप्तभंगीवाद का पालन करके तार्किक रूप से निर्णय लिया जा सकता है। यानी ये कहते हैं कि सांसारिक किसी भी वस्तु के संबंध में, इसको देखते हैं ये होता क्या है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु के बारे में, जैसे ईश्वर के बारे में या और किसी, तो पहला रहता है सप्तभंगीवाद में, यानी सात प्रकार के थॉट्स चलते हैं। है, सेकंड रहता है नहीं है, थर्ड है और नहीं है, फोर्थ है कहा नहीं जा सकता, फिफ्थ है किंतु कहा नहीं जा सकता, नंबर सिक्स आएगा नहीं है और कहा जा सकता है, और लास्ट रहेगा है नहीं है और कहा जा सकता है। तो ये सात प्रकार के जो थॉट्स आते हैं कि किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए तार्किक रूप से इनको लगाया जाएगा, जैन फिलॉसफी की बात हो रही है, तो इसको आप रट लेंगे। अगर श्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगीवाद पूछा जाए तो उसको यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। अगली शिक्षाएं देखते हैं। अगली शिक्षाओं में आता है कि महावीर स्वामी ने ईश्वर की सर्वोच्चता को नहीं माना। महावीर स्वामी संसार के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, यूनिवर्स है, एग्जिस्ट करता है, ये तो मानते हैं, लेकिन इसको बनाने वाला कोई गॉड है ये नहीं मानते, यानी सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं। अगली शिक्षा आती है पुनर्जन्म और कर्मवाद की बात करते हैं। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, मैं इसमें एक्सपर्ट व्यू तो नहीं दूंगा आपको, जनरली जो किताबों में लिखा है वहीं से लेकर मैं आपके सामने रख दिया है कि जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म दोनों पर विश्वास करता है। कई किताबें बोलती हैं कि ये पुनर्जन्म को नहीं मानता है, लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने देखा एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक्स वहाँ से, तो उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए मैं भी उसी को फॉलो करके चलता हूँ और उसी को अपने एग्जाम में भी लिखता हूँ। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म दोनों पर विश्वास करता है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है। सदकर्म करने पर अच्छा और बुरा कर्म करने पर परिणाम अशुद्ध होता है, जिसे कैवल्य की प्राप्ति से वर्धित किया जा सकता है, या यहाँ पर इसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक, और अगर आपको कहीं ऐसा डाउट लगे कि मैं इसमें एक लाइन में उलझता हूँ तो उस लाइन को आप स्किप कर सकते हैं, उसे ना लिखें। मेंस में यह सुविधा रहती है कि आप जितना लिखेंगे उसी से एग्जामिनर चेक करेगा, आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको उतना उस पर नहीं जाएगा। अगला है महावीर स्वामी की जो शिक्षा आती है वो आता है कि वैदिक आडंबरों का खंडन किया, वैदिक जो कर्मकांड है उन सब के, ये एक्चुअल में ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकले ही वैदिक धर्म में आने वाली बुराइयों के परिणाम स्वरूप थे। तो जैन धर्म का जन्म वैदिक धर्म में कुरीतियों का प्रतिफल है। यह कर्मकांड तत्कालीन परंपराओं का विरोध करता है और मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ अपनाते हुए व्यक्ति के नैतिक आचरण,
नैतिक विचारों पर जोर देता है, साथ ही मानव जाति के उत्थान का कार्य करता है। जब कुरीतियां हावी हो गई, वैदिक धर्म सबसे संसार का पुराना है लेकिन इसमें आडंबर और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा यमुना का जो दोआब यानी ये जो प्लेन एरिया रहता है वहाँ कहा जाता है 62 टाइप्स के अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ। और क्यों हुआ? धार्मिक रिफॉर्म्स यानी रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, धार्मिक सुधार के लिए। इसमें कुछ धर्म ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, जैसे कापालिक या कालामुक नामक एक संप्रदाय हुआ करता था। ये लोग क्या मान करते थे कि ये लोग सारा सब कुछ त्याग कर शमशान घाट में रहना यानी स्केलेटन जो खोपड़ी कंकाल उसी को वस्त्र के रूप में धारण करना, उसी में भोजन ग्रहण करना, तो ये एक्सट्रीम पाथ हो गया जो सामान्य व्यक्ति नहीं फॉलो करेगा। दूसरी तरफ लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी सोच रखते हैं, वो अपने सुख पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे आनंद मार्गी थे या एक बहुत बड़े इसके फिलोसफर हुए हैं चार्वाक, चार्वाक दर्शन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, अमूल्य है, यानी मनुष्य का जन्म एक बार होता है और एक बार होता है तो इसे कष्ट नहीं देना चाहिए। तो वो कहते हैं जब तक जियो ऋण लेना पड़े लो लेकिन घी पियो, ऋणेन कृत्वा घृतम पिबे। तो ये भी क्या हो गया कि ये कुछ कार्य करने का विरोध करता है जो कि युग के लिए यानी ह्यूमैनिटी के लिए कहीं से लेके कहीं तक फिट नहीं होता है। अब ऐसे में महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा ने बीच का रास्ता, ना बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गए ना बहुत ज़्यादा लिबरल हुए, उसको अपनाया। उसे कहते हैं मध्यम मार्ग, अपनाते हुए नैतिक आचरण यानी क्या सही क्या गलत पर जोर दिया और मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य किया। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के बारे में उनकी ये शिक्षा हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में हम इसका कंक्लूजन करेंगे। अब आप समझे कि ये थिंकर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर उस एग्जाम में रखे गए हैं जिस एग्जाम के द्वारा आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा। तो इनकी शिक्षाओं का रिलेशन थोड़ा हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर देना है कि प्रशासनिक अधिकारी कैसा हो, उसमें नैतिकता होना चाहिए, उसमें सत्यता होना चाहिए, उसमें अहिंसा होना चाहिए। तो इसलिए उसको रिलेट करते हुए ऐसा भी आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि महावीर स्वामी की सभी शिक्षाएं नैतिक व्यावसायिकता की संहिता, संहिता को कोड बोलते हैं यानी रूल ऑफ बुक ऑफ लॉ कह सकते हैं, संहिता प्रतीत होती है। उनकी शिक्षाएं अहिंसा, अस्तेय, सत्य आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जो न सिर्फ कैवल्य तक पहुंचने का माध्यम है अपितु समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक है। ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है और आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करना भी चाहिए, जब आप चेंज करते हो तो आपका दिमाग चलता है और नए नए विचार आते हैं, मौलिकता थोड़ी सी झलकती है। तो मौलिकता जब रहेगी तो मार्किंग बहुत अच्छी होती है। तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना। अब इस सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे, 19 जो थिंकर या फिलोसफर या सोशल रिफॉर्मर के नाम दिए हैं, तो 19 पूरे तो नहीं लेकिन जो मेन जिनके आने की संभावना है उनको हम जरूर आपके सामने इस वीडियो में लाएंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।